आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कॉमन तो बहुत है लेकिन लाभकारी भी बहुत है, और वो है टेंट हाउस का बिजनेस। चलिए जानते हैं कैसे शुरू करें टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में हर दूसरे दिन किसी ना किसी के यहाँ किसी अवसर को मनाया जाता है, फिर चाहे वो कोई त्योहार हो या शादी पार्टी हो या किसी का जन्मदिन हो, और यहाँ तक कि किसी की 13वीं क्यों ना हो। इन सभी अवसरों को मनाने के लिए लोग अपने करीबी रिश्तेदार एवं आस पड़ोस के लोगों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में मेहमानों के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ सामान जैसे कुर्सी, दरी, लाइट, टेंट, पंखे आदि इसी तरह की कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसे लोग एक से दो दिन के लिए किराए पर लेते हैं। यह टेंट हाउस का सामान होता है। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं और आप कुछ निवेश करने में सक्षम हैं, तो आप शादी पार्टी जैसे अवसरों के ऑर्डर लेकर टेंट हाउस का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस व्यापार या बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी चीजों का आवश्यकता हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंट हाउस व्यापार की मांग एवं स्कोप कितना है। टेंट हाउस का व्यापार ऐसा व्यापार है जिसकी मांग हमेशा रहती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आए दिन लोग अपनी खुशियां बांटने के लिए विभिन्न अवसर ढूंढते रहते हैं और फिर उसे मनाते हैं। ऐसे में उन्हें टेंट हाउस से जुड़े सामानों की आवश्यकता तो होती ही है, इसीलिए यह व्यापार आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। भविष्य की बात करें, भारत में कम से कम 65% जनसंख्या युवा पीढ़ी है, इसलिए देश में हर साल लाखों लोग शादी कर रहे हैं, तो ऐसे में टेंट हाउस की मांग बहुत अधिक होगी। यहाँ तक कि अब तो केवल शहर में ही नहीं बल्कि आजकल गांवों में भी लोग विभिन्न अवसरों पर टेंट हाउस का सामान किराए पर लेने लगे हैं, क्योंकि पहले के समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे ये काम मिलजुल कर किया करते थे, किंतु अब गांव में भी टेंट का सामान किराए पर लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस व्यापार की मांग एवं स्कोप दोनों ही बहुत अधिक है एवं यह हमेशा बरकरार रहेगी। तो आपको इस व्यापार को शुरू करने में काफी सारी फायदा होने की उम्मीद है। अब चलिए जानते हैं कि टेंट हाउस व्यापार के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी। टेंट हाउस का व्यापार शुरू करने के लिए आपको टेंट से संबंधित कई सामानों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको विभिन्न डिजाइन के टेंट की आवश्यकता होगी, और इसे लगाने के लिए लकड़ी के डंडे या बांस या फिर लोहे के पाइप की आवश्यकता होगी। टेंट लग जाने के बाद अब मेहमान की बेहतर बैठक, उनके रुकने की व्यवस्था के लिए कुर्सी या दरी, लाइट, पंखे, गद्दे, सिरहाने एवं चादर आदि की भी आवश्यकता होगी, जिसे आपको अधिक मात्रा में खरीदना होगा। मेहमान के खाने पीने की व्यवस्था के लिए खाने बनाने एवं परोसने के लिए सभी तरह की बर्तनों की आवश्यकता होगी। साथ में खाना बनाने के लिए बड़ा गैस चूल्हा होना भी जरूरी है। इसके साथ ही पानी पीने एवं अन्य कामों में उपयोग के लिए बड़े ड्रम भी होना जरूरी है। शादी या पार्टी में अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न डेकोरेशन किए जाते हैं, तो आपको डेकोरेशन से संबंधित सामान जैसे कारपेट, विभिन्न तरह की लाइट, म्यूजिक सिस्टम, अलग अलग तरह के फूल आदि और भी चीजें खरीदना भी आवश्यक है। इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी सामग्री चाहिए हो सकती है जो आप आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि हमें टेंट हाउस के व्यापार के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। अब ये जानेंगे कि ये सारी टेंट हाउस का सामान कहां से खरीदें। आपने अभी तक ये तो निश्चय कर ही लिया होगा कि आपको किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप ये सब चीजें कहां से खरीदेंगे यह जानना भी आवश्यक है। तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले टेंट का सामान अपनी योजना के अनुसार बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो सामान है उसे आप किसी अच्छे थोक विक्रेता से खरीदें, क्योंकि इससे आपको किफायती दाम में सामान उपलब्ध हो जाएगा। यह थोक विक्रेता कौन हो सकते हैं, यह आप जानकारी आप अपने आसपास के अन्य प्रतिस्पर्धियों यानी जो टेंट हाउस बिजनेस में पहले से ही हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप उनसे इस व्यापार से जुड़े कुछ टिप्स भी ले सकते हैं कि वे अपना व्यवसाय किस तरह से कर रहे हैं और सामान के लिए कौन सी अच्छी दुकानें हैं। चलिए अभी जानते हैं कि टेंट हाउस के व्यापार में कितना निवेश यानी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। टेंट हाउस का व्यापार ऐसा व्यापार है जिसमें आपने एक बार निवेश कर दिया, इसके बाद आपको 5 से 10 साल तक कोई विशेष निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको केवल टेंट से संबंधित सामान लेने जो कि अधिक संख्या में लेना होगा, उसे ऑर्डर कर्ता तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एवं सामान धुलाई के लिए कर्मचारी का वेतन आदि के लिए निवेश करना होगा। इस तरह से यदि आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। और यदि इसे बड़े स्तर पर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आप अधिक निवेश करने में सक्षम हैं, तो आपको इसके लिए 5 से 6 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि यार इतना पैसा हम लगाएंगे कहां से, तो टेंट हाउस व्यापार में निवेश के लिए लोन सुविधा भी उपलब्ध है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। टेंट हाउस का व्यापार शुरू करने के लिए आपको निवेश करने में यदि कोई वित्तीय समस्या आ रही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने नए युवा पीढ़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं रोजगार में उनकी मदद करने के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है जो कि लोन सुविधा है। सरकार ने बैंक को यह ऑर्डर दिया है कि रोजगार के लिए बैंक से लोन लेने वालों को यह सुविधा प्रदान किया जाए ताकि वे अपने रोजगार के माध्यम से खुद का एवं अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकें। अतः यदि आप टेंट हाउस का व्यापार शुरू करते हैं और आपको निवेश के लिए पैसों की आवश्यकता है तो आप बैंक में जाकर अपनी इस परेशानी को खत्म कर सकते हैं। अब लोन लेकर आपने अपने टेंट हाउस का व्यापार तो शुरू कर लिया, लेकिन अब करते हैं बात मार्केटिंग की। यदि आपके व्यापार के बारे में लोग तक जानकारी नहीं पहुंची तो फिर लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, और इससे आपको मुनाफा भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इस व्यापार का प्रचार करें, लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं। यह आप पैम्पलेट या होल्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय रेडियो चैनल पर एडवर्टाइजिंग के द्वारा भी अपने व्यापार के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये अपने व्यापार का प्रचार करने के अच्छे तरीके हैं। अब चलिए जानते हैं कि टेंट हाउस के व्यापार से कितना लाभ होगा आपको। टेंट हाउस के व्यापार में कितना लाभ होगा, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका व्यापार कहां तक पहुंचा है, यानी कितने लोग आपके इस व्यापार के बारे में जानते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके व्यापार के बारे में जानेंगे और आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। हालांकि इससे आप प्रति माह 25 से 30 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि अधिकतर शादी पार्टियों के सीजन में या सीजन के समय लोग पहले टेंट का ही ऑर्डर देते हैं। ऐसे में टेंट का सामान बहुत जल्दी बुक हो जाता है और इसकी मांग अधिक होती है, तो सीजन के समय आपको 1 लाख रुपए प्रति माह तक की बिक्री हो सकती है। एक बार आपका व्यवसाय अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया या हो जाए, फिर आप बाद में इसे बढ़ा भी सकते हैं ताकि इस व्यापार से आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मतलब इस व्यापार में एक बार निवेश करने के बाद यह काफी सारा लाभ कमाने वाला व्यापार बन सकता है। आशा है कि इस एपिसोड में टेंट हाउस बिजनेस से जुड़ी कई सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर ऐसा है तो मेरे इस शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में मैं फिर एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा आपके लिए, और तब तक स्टे ट्यून्ड।